एक तो वैसे भी इस गर्मी के मौसम की वजह से हम सभी का जीना दुश्वार हो चुका है, और ऐसे में क्या हो जब आप अपने काम से थका हारा अपने घर वापस आते हैं और नहाने के लिए आप बाथरूम जाते हैं और पाते हैं कि बाथरूम में नहाने के लिए पानी बिल्कुल भी नहीं है। कैसा लगेगा आपको जब आपके छोटे छोटे बच्चों को भूख लगेगी लेकिन खाना पकाने के लिए, उनके लिए खाना पकाने के लिए आपके किचन में पानी की एक बूंद तक ना हो। कैसा लगेगा आपको जब आपके अपने घर में अपनी प्यास बुझाने तक का पानी ना हो। चलिए मान लेते हैं एक आध दिन आप दुकान से पानी खरीद लेंगे या यहाँ वहाँ से पानी का इंतजाम कर लेंगे, पानी का जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन कब तक? और वो भी तब जब आप अपने घर में नॉर्मल वाटर सप्लाई के लिए पीएचई एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को बाकायदा बिल देते हो। नमस्कार, फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। पानी के बिना जीवन ही असंभव है, ये हम सभी जानते हैं, और आज के तारीख में पानी मिलना हर किसी का अधिकार है। लेकिन आलो शहर के गोरहिल कॉलोनी में कई सारे परिवार इस अधिकार से वंचित है पिछले कई महीनों से। गोरहिल में पीड़ित, पानी के बिना पीड़ित इन परिवारों में से कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका काफ़ी नाम है गालो समाज में भी और प्रख्यात व्यक्ति है वह, जैसे कि मशहूर लिरिसिस्ट मिजुम लोना, मशहूर गायक जोमन्या सिराम, गुमकेन करबाग, एक्स कमांडेंट पोमर वगैरह, तोकिर पाकाम, इस तरह के लगभग 8 से 10 घर, 10 परिवार ऐसे गोरिल में है जो आज की तारीख में पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। घर में पानी नहीं आने की शिकायत बाकायदा पीएचई एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को कई बार दिया जा चुका है, और हमें ऐसा भी बताया गया है कि पीएचई विभाग के तरफ से उस कंप्लेन को अपने ऑफिशियल रजिस्टर में रजिस्टर भी किया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिम्मेदार सरकारी विभाग के तरफ से अब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया है। और पानी के बिना किस तरह का जीवन होता है और घर में किस तरह का माहौल होता है, आपको बाथरूम तक जाने के लिए आपके पास पानी जब ना हो तो कैसा होता है, आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं गोरहिल कॉलोनी में किस तरह की मुश्किलें लोगों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यहाँ जो इंचार्ज है पीएचईएन वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का, उससे भी पूछताछ करेंगे इंचार्ज, जो कि नल खोलने का, पाइपलाइन खोलने का, बंद करने का जिम्मेदारी जिसके ऊपर दिया गया है, उनका क्या कहना है ये भी सुनते हैं। और एक आध यहाँ के निवासी से भी पूछताछ करेंगे कि कितना तकलीफ पानी के बिना उन्हें झेलना पड़ रहा है। अब हम पहले भी उसको खुल के देखा था, उसमें तो पानी नहीं है, मतलब क्या के लिए पानी नहीं है। बरमंडा पानी बोल नहीं सकते हैं क्या है। 5 बजे से लेके 8 बजे बंद होता है। अच्छा, उसके बाद 2:30 से लेके 5 बजे तक बंद, उसके बाद खुला है। जो गोरहिल तीनाली है, अच्छा, उधारी में ऑनम फोटो की हमें बहुत सारा घर में तकलीफ है पानी का ना। हाँ, तो सुना है कि मेन पाइपलाइन में ही पानी बहुत कम आ रहा है, कम चूहा का पूंछ जैसा आ रहा है। तो इसका क्या वजह हो सकता है, बाकी जगह में तो पानी आ रहा है, इसका वजह मतलब डाउन में कोई किसी का मेन लाइन से भी कोई कनेक्शन है, अभी खेती में भी पॉइंट है, खेती में पॉइंट है, आईटीबी के आगे में, उस सब कोई खुल के रखने से भी पानी प्रसार कमती होता रहता है। हाँ, बात वही है। तो खेती में पॉइंट मतलब ये पाइपलाइन पॉइंट। हाँ, पाइपलाइन पॉइंट मतलब उधर भी एक कॉलोनी है। अमदुम एरिया बोल के आईटीबी आगे में वो एक कॉलोनी है, उधर में भी पानी, ये लाइन के पानी उधर खुलने से भी प्रेशर डाउन हो जाता है। अच्छा, प्रॉब्लम हुई। तो क्या क्या करने से ठीक हो सकता है आपका हिसाब में? हम क्या बोलेगा सर, सर लोग ही बता सकेगा, बता सकेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बस इतना ही है और इसी से पूरा ये गोरहिल जो जो 8-9 घर जो है इसी से जा रहा है। और ये बाकी कनेक्शन लो, ये बाकी लो, बाकी इधर से इसमें चलता है, फिर ये लाइन, फिर आपका पाया टैंक की जाता है, ये बुरा वाला लाइन, ये वाला ना, बुरा वाला। तो वो पानी तो जितना अभी खोल के दिखाया उतना तो उधर घर घर में जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं, नहीं जाएगा। और पानी नहीं होने से तो कितना प्रॉब्लम होता है आपको भी पता है ना। तो है बोल के मतलब लोग ये बोल के खोल दिया, लेकिन ये भी तो पीएचई डिपार्टमेंट का काम है ना, तो इसको भी हम लोग खोद दिया, खोद के हम लोग ब्लॉक को हम लोग सफा किया। ये पीएचई डिपार्टमेंट का काम है, पाइप कहाँ से जा रहा है उसको देखना जरूरी है। हम लोग
पाँच दिन हो गया, हफ्ता हो गया, हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ से खोद के या फिर नया से वो लिंक लगा के हम लोग यहाँ से पानी जाने के लिए, हम उसमें भी ब्लॉक था इसमें तो ये सब भी पीएचई डिपार्टमेंट का काम है, हम लोग का नहीं है। और हम लोग जितना है यहाँ का जो पाइपलाइन जाता है हम लोग कलेक्शन करके इसका भी सीमेंटिंग हम लोग ही कर दिया। तो पीएचई डिपार्टमेंट लोग देखना इसको कैसे करना है क्या नहीं करना है। यहाँ तक हम लोग खोद के यहाँ सीमेंटिंग कर दिया है। दूसरा का रोड है, दूसरा का रोड जा रहा है यहाँ से, उसको हम लोग तोड़ के रिक्वेस्ट करके तोड़ के फिर हम लोग सीमेंटिंग करते हैं। ऐसे होके भी अभी तक भी पानी नहीं है। पिंकी में जा रहा है हम लोग का नहीं है ना? नहीं नहीं लाइन भी ज्यादा हो गया ना, लाइन भी ज्यादा ज्यादा हो गया ना, सबसे ज्यादा हो गया। इतना दिक्कत हो रहा है पानी के लिए ना, हम लोग भूख पुके सुबह शाम तीन बजे भूख रहे पानी। ये काबू रास्ते से भुगता है, नहीं तो आर कमीशन गाँव से भुगता है, कंटिन्यू सुबह शाम भुख रहे, नहीं तो खाना बनाने के लिए नहीं है ना पानी। ऐसे हो गया पानी, एकदम पानी बिल्कुल नहीं पानी। हम लोग तो बिल पेमेंट करता है ना, तो वो तो पानी देना तो पीएचई डिपार्टमेंट का, आप लोग का डिपार्टमेंट का वो है ना, आपको बोल के भी फायदा नहीं है। लेकिन आप तो यहाँ का, हम लोग को तो जब जब पानी आएगा हम लोग को तो देना है ना। हम लोग तो कैसे ये बिल पेमेंट करके, हम लोग पानी नहीं मिल के, टॉयलेट बाथरूम जाने का पानी नहीं है, ऑफिस में भी कंप्लेन कर करके परेशान हो गया। मैं अभी का जो बोला मार्केट में जाता है पानी पाइप, उसको अगर बंद करेगा तो बंद करने से तो वो तो ब्रेक मारेगा ना पानी इस तरफ में, बंद करने से तो ब्रेक मारेगा। उसमें आप सुबह को दे दीजिए और बंद करके शाम को हमको दे दो, वो तो हमारे ऊपर में है, वो जेई को बोलना पड़ेगा, उसके तो जेई साहब को बोलना पड़ेगा। आप बताएगा तो हम बोलेगा ना, हम कैसे बताएगा, कुछ उसके देखिए हमको बताएगा तो हम बोल देंगे, हम कैसे बताएगा। थैंक यू फ्रीडम न्यूज़ यहाँ आने के लिए। हम लोग का गौरी कॉलोनी में हम 10-12 घर हैं जो बहुत अभी पानी का इससे वंचित है, पानी हम लोग को नहीं मिल रहा है। इवन हम लोग वहाँ में ये पीएचई डिपार्टमेंट में भी हम लोग कंप्लेन लॉज किया है, लेकिन भी कोई देखने वाला नहीं है। और कुछ कुछ बहुत चीज़ है कि हम लोग पीएचई डिपार्टमेंट आप पर्सनली भी जाके रिक्वेस्ट किया है, लेकिन भी वो लोग ध्यान नहीं देता है। इसलिए आप हम लोग का घर का अभी सिचुएशन देख लीजिए, बर्तन ताली भी पूरा रुका सूखा पड़ा हुआ है, टैंकी भी पूरा रुका सूखा पड़ा हुआ है। तो इसलिए हम फ्रीडम न्यूज़ का माध्यम से हम पीएचई डिपार्टमेंट को हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि आप काइंडली हम लोग का गोरिल का ये जो 10-12 घर है उसका थोड़ा पानी का प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर दीजिएगा, और जितना जल्दी हो सकेगा सब सॉल्व कर दीजिएगा। और अभी गर्मी का समय भी है, गर्मी का समय में जब पानी नहीं होता है बहुत प्रॉब्लम है हम लोग को, टॉयलेट बाथरूम के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है, खाना पीना को तो खाना पीना के लिए भी हम लोग दुकान से पानी खरीद के हम लोग खाना पीना बनाना पड़ रहा है। इसलिए आप हम रिक्वेस्ट करता है कि पीएचई डिपार्टमेंट आ लो कि इसको जैसे भी आप सॉल्व कर दीजिएगा। थैंक यू। तो इस तकलीफ को गौरी हिल कॉलोनी में जो लोग झेल रहे हैं, इस पीड़ा को और ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचते हुए, और मुझे लगता है कि जैसा कि थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि सभी लोगों से जो 10 परिवार जो 10 घर यहाँ पे तकलीफ झेल रहे हैं, उन 10 घरों में जाना ज़रूरी नहीं है और 10 लोगों से पूछना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बात तो एक ही है। और बिना पानी का कितना तकलीफ होता है ज़िंदगी, ये आप सभी समझ सकते हैं और हम सभी समझ सकते हैं। और यहाँ पे पीएचई डिपार्टमेंट एंड वाटर सप्लाई को हम उम्मीद करते हैं कि गौर हिल इलाके के जितने भी ये पीड़ित लोग हैं इनकी आवाज़ को वे ज़रूर सुनेंगे और इस पर ज़रूर वे अमल करेंगे, काम करेंगे। और यहाँ विभाग को ये समझना चाहिए कि गौर हिल कॉलोनी के इन 10-11 घरों में उन्हें पानी चाहिए, उन्हें उनका अधिकार चाहिए। उनके घर में पानी क्यों नहीं आ रहा, इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी सफाई या इसका बहाना नहीं चाहिए।